एवरीवन, दिस इज सुमित कुमार। आई होप आप लोग बहुत अच्छा होंगे, बहुत अच्छा मैथमेटिक्स कर रहे होंगे। आज बहुत ही खुशी की बात है कि सीएसआईआर नेट ने एग्ज़ाम डेट डिक्लेयर कर दिया है, कब एग्ज़ाम होगा। और बहुत सारे स्टूडेंट्स जो थे इस एग्ज़ाम्स को लेके चिंतित भी थे कि कब होगा, कोई नोटिफिकेशन नहीं आया। फाइनली ये नोटिफिकेशन आ गया है। एग्ज़ाम जो है, जो आपका एग्ज़ाम, आप देखिए यहाँ जो लिखा हुआ है डेट ऑफ एग्ज़ाम, ये देख पा रहे होंगे। ये कब दिया गया? 25, 26, 27 जून। कब हो रहा है आपके? ये 25, 26 और 27 जून को ऑलमोस्ट, क्योंकि आज 1 मई है, तो ऑलमोस्ट आपके पास 1 महीने 25 दिन है, 1 महीने 24 दिन है, राइट। तो 30 डेज उधर, 24 डेज है, तो ऑन एवरेज आप मान के चलो कि 50 डेज आपके पास है। तो अगर आप अच्छा मेहनत करोगे तो बहुत अच्छा हो सकता है, राइट। और इसके जो एप्लीकेशंस है वो स्टार्ट आज ही से हो गए, 1/5 से, और 21 तक इसकी वैलिडिटी है, 21 मई तक रहेगी। लास्ट डेट ऑफ पेमेंट 22 तारीख तक है, ठीक है। सबमिशन का जो लास्ट डेट दिया हुआ है वो 21 है। फीस का इतना दिया हुआ है। करेक्शन विंडो 25 तक दे रहा है, 25 से 27 तक दे रखा है। और मोड ऑफ एग्जाम आपको पता है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है। ड्यूरेशन ऑफ द एग्जाम 180 मिनट्स है। पैटर्न ऑफ द एग्जाम ऑब्जेक्टिव टाइप MCQ। मीडियम द पेपर बायलिंगुअल, इंग्लिश एंड हिंदी। टेस्ट पेपर केमिकल, अर्थ, लाइफ, मैथमेटिकल टाइप दिया था, ठीक है। तो जो भी स्टूडेंट्स के लिए सीरियस हैं, एग्जाम के लिए हैं, जो बहुत मेहनत कर रहे हैं और इस बार एग्जाम्स अच्छा क्वालिफाई करना चाहते हैं, उनके लिए है। अब आ गया है, टाइम आपके पास बचा हुआ है। मेहनत कीजिए, अच्छे से मेहनत कीजिए, देखिएगा होगा। और अगर आप मेहनत कर रहे हैं, स्टिल आप वो कॉन्फिडेंस आपके अंदर नहीं जग पा रहा है कि कैसे हम पास करेंगे, और उसके लिए शॉर्ट टर्म के लिए जो समय कम बचा है उसके लिए गाइडेंस है, तो यहाँ पे शॉर्ट टर्म कोर्स अभी चल रहा है, आप जुड़ सकते हैं और अपने इस प्रिपरेशन को और इन्हांस कर सकते हैं, ठीक है। तो सीएसआईआर नेट के लिए हमारे यहाँ क्रैश कोर्स अभी चल रहा है, जो स्टार्ट हो गया था 1 महीना पहले, और आप चाहे तो जुड़ सकते हैं और अपने कॉन्सेप्ट को और अच्छा कर सकते हैं। और थ्योरेटिकली चीज़ों को और बेसिक तरीके से सीखना है तो यहाँ रेगुलर बैचेस होती हैं, ठीक है। तो वो 2 जून से स्टार्ट होगी और वो दिसंबर के लिए टारगेट रहेगी, ठीक है। तो आपको ये देखना है कि आपका बेसिक्स कैसा है, राइट, है ना। देखो, ये MCQ एग्जाम तो होता है, लेकिन असली जो गेम स्टार्ट होता है ना, वो एग्जाम पास करने के बाद होता है। एग्जाम पास करने के बाद आप कहीं अप्लाई करते हो तो आपका कॉन्सेप्ट कैसे है वहाँ मैटर करता है, तो वो देखना है, ठीक है। बट एग्जाम तो पास करना इंपॉर्टेंट है ही। तो ये आपकी समझदारी पे मैं छोड़ता हूँ कि आपको क्या सीखना है। आपके हर सिचुएशन में मैं आपके साथ हूँ। अगर आपको जुड़ना है तो यहाँ मेल कर दीजिएगा, nobleforum05@gmail.com, ठीक है। तो चलिए, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक मस्त रहिए और अच्छे से मैथ करते रहिए।